नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है दोस्तों लेफ्ट ब्लॉग। आज हैं हम ग्वालियर में के व्यापार मेले में जो कि काफ़ी फेमस है। सन 1905 से ये मेला भारतीय क्या नाम है ग्वालियर के राजघराने द्वारा लगाया जा रहा है। सो आइए देखते हैं। सो ये है सिल्क बाजार दोस्तों। जैसे ही एंट्री करेंगे आप, आपको राइट हैंड में सिल्क बाजार मिलेगा और ये मेले में हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े क्या नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पर, और सभी बैंकों के एटीएम। ये आपको पता चलेगा दोस्तों कि छोटी छोटी खुशियाँ आप इन चीज़ों में देख सकते हैं। और कई बार हम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में आते हैं, यहाँ पर आपको कई व्यापारी मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर बच्चों के लिए तो काफी ये जगह बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पर उनके झूले वगैरह बहुत है और बच्चों से रिलेटिव चीजें आपको आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत बेहतरीन जगह है, उनके लिए तो ये सब कुछ है ये मेला, ठीक है। और बड़ों के लिए भी यहाँ पर देखा जाए तो घर गृहस्थी की बहुत सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। ये छतरियाँ हैं दोस्तों, ये अनाउंसमेंट सेंटर है, जो कि आप छतरी पर सुन रहे होंगे। किसी का कोई पर्स वगैरह या कुछ चोरी हो जाता है या गिर जाता है तो आप यहाँ पर आके अनाउंसमेंट के लिए दे सकते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इन्जॉय। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जैसे कि हमने बताया था, सामने आप LG का शोरूम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में चाहिए वो यहाँ पर आके आप ले सकते हैं। सो ये शाहरुख खान वाली स्टाइल में मैंने पूछ देने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। सो ये मेरा पोज है और रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट है दोस्तों। सो बताइएगा ये कोशिश की है कि कैसा लग रहा है ये रिजल्ट, और वीडियो देखते रहिएगा, बने रहिए वीडियो में। सो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये अभी हम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मार्केट में है मेले में। सो यहाँ पर कई छतरियाँ हैं, छतरियों की बात करें तो करीब 25-30 छतरियाँ हैं यहाँ पर। और छतरियों से यदि आपको किसी को बुलाना है किसी जगह तो आप छतरियों का एड्रेस बताएं कि हम इस नंबर छतरी पर हैं, सो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और छतरी से। फर्नीचर मार्केट है, कपड़ा मार्केट तो दोस्तों सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको यही है कि जो भी शॉपिंग करनी है आप ले सकते हैं यहाँ देख पा रहे हैं। खाने का तो यहाँ पर अश्वनी टी स्टॉल पर आए हैं हम, आइए देखते हैं। भैया PDC क्या रेट है? PDC क्या रेट है? 20 2 2 कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मेले में प्रेजेंट टाइम में अभी हैं और ने कहा है कि अगर मेले में आए हैं आप एंजॉय करने के लिए, चाय नहीं पीना, मेले में आए एंजॉय करने के लिए, तो आपको यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो खाकर एक बार टेस्ट करना है। और भी यहाँ पर बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें जो यहाँ पर मेले में ज़्यादा चलती हैं, आइए देखते हैं। अभी तो मैं PDs आ चुकी हैं तो PDs का आनंद लेता हूँ। सो देख लेते हैं अभी क्या? चाय पियो, कब खा जाओ? ट्राई करना है क्या? 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 नया कप है। इसको 10 रुपए का लालच दे रहा था, इसको सिगरेट याद आ गई। ये छतरियों का जरूर। टोटल कितनी छतरियां हैं मेले में? 25। रियल चीज बता, बिना फालतू में कुछ भी जानकारी मत दो।
आदर्श विंडो कूलर क्या लिखा है क्या आदर्श विंडो कूलर लियो बोले लियो सो ये है सिनेमैटिक सीन और अभी हम हैं बताने की जरूरत तो नहीं है मेले में और मेले में कई शोरूम वगैरह के अभी हम ग्वालियर व्यापार मेला कहीं लगा ये लिखा है कंट्रोल रूम मेला ग्वालियर और ये पूरी यहाँ पर की झंडियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर अभी हम मेला सेक्टर में काफी टाइम से बोला नहीं हूँ ये पीछे मेरे जस्ट आप देख पा रहे हैं पुलिस कंट्रोल रूम है यहाँ पर सिक्योरिटी काफी अच्छी है और अगर मैं छतरियों की बात करूँ दोस्तों और छतरी इस टाइप की होती हैं ये आप जो देख पा रहे होंगे ये छतरी है यहाँ पर और इसी छतरी टाइप की करीब 25-30 छतरी होंगी तो वो सारी छतरियों का दिखाता हूँ आपको और व्यापार मेले में आप देख पा रहे होंगे इसलिए इसको व्यापार मेला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर करीब करीब करोड़ों में अरबों में बिजनेस होता है दोस्तों और जो कि डेढ़ महीने की अवधि होती है डेढ़ महीने के अंदर काफ़ी करोड़ों में अरबों में इसका बिजनेस होता है तो आइए देखते हैं ग्वालियर व्यापार मेला तो फ्रेंड्स अभी हम खड़े हुए हैं ग्वालियर व्यापार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में और ग्वालियर व्यापार मेले की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको कारों पर 50% RTO पर छूट है तो आइए दोस्तों तो देखते हैं ग्वालियर का व्यापार मेले का ऑटोमोबाइल सेक्टर तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है रेनॉल्ट जो कार है फोर व्हीलर उसका आपको शोरूम मिल जाएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इसके बाद आपको मिल जाएगा स्कोडा यहाँ पर सारी कारों का मोस्टली वो है यहाँ तक कि शोरूम है यहाँ तक कि आपको रेंज रोवर जो फर्स्ट मॉडल है दोस्तों वो भी मिल जाएगा ये नेक्स्टा का आप राइट हैंड में देख पा रहे होंगे शोरूम ठीक है यहाँ पर रेंज रोवर भी जो कि 1.5 करोड़ की कीमत की आती है वहाँ पर वो भी मिल जाएगी साथ में मेला परिवहन प्राधिकरण का भी जो है वो भी मिल जाएगा आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं आइए देखते हैं कुछ सैलानी है मेरे साथ में उनसे जानते हैं कि मेले का किस तरह से आनंद ले रहे हैं उनको यहाँ पर क्या अच्छा लगा तो आइए जानते हैं उनसे जानते हैं ठीक है दोस्तों सो बताइए भैया कैसा लग रहा है आपको ग्वालियर मेले में ढूंढते क्या नाम है आपका दोनों का ज्ञानेंद्र गुर्जर या विक्रम गुर्जर ठीक है अरे बढ़िया बढ़िया सो एंजॉय कर रहे हो ना कहने का मतलब ये है ओके सो यहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर्स आपको मिल जाएगा कई आपको यहाँ पर शोरूम है बुकने की जरूरत नहीं है कितने शोरूम में बताऊंगा आपको यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर परिवहन कार्यालय का कैंप भी मिल जाएगा और रेंज रोवर जो कि 1.5 करोड़ की कार है वो भी मिल जाएगी एशिया का सबसे बिगेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर लगता है दोस्तों यहाँ सो अभी प्रेजेंट टाइम में अभी हम हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया और अभी इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पर झूला सेक्टर में जो कि काफ़ी फेमस होता है और मोस्टली लोग इसी के लिए आते हैं सो आइए चलते हैं दोस्तों तो फ्रेंड्स मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको मेला सेक्टर में आ चुके हैं तो आइए चलते हैं देखते हैं कौन कौन से चीज़ें आए हैं और क्या क्या नई नई चीज़ें ग्वालियर व्यापार मेले में आई हैं दोस्तों तो देखें यहाँ पर आ चुके हैं और
और ये बेला सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर ही लोग बाग ज़्यादा आते हैं या फिर अपनी फैमिलीज के साथ यही जगह जो है वही इंजॉय करने के लिए ज़्यादा आते हैं। और देखा जाए तो ये नए झूले कुछ आए यहाँ पर, आपको ये देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे और आपको देखने भी चाहिए दोस्तों। तो मेले के पर्पज से अगर बोला जाए तो ये जो आप सामने झूले देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े झूले हैं और मोस्टली बच्चे या हो या बुज़ुर्ग हो या फिर यंग जनरेशन हो वो सभी इन झूलों को झूलने के लिए आते हैं। यहाँ पर कई झूले टिकट काउंटर इस तरह के बने होते हैं, आप यहाँ से टिकट लेंगे। और ये आप सामने राइट एंड में देख पा रहे हैं मौत का कुआ जिसे बोलते हैं, तो रिंग ऑफ बेल है, तो यहाँ पर आपके आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी झूले नए हैं जैसे कि बगल से टावर वाला झूला है वो भी काफ़ी बड़े हैं, सामने भी झूले देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों के झूले भी अवेलेबल हैं जिसमें वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो आइए वैसे भी दोस्तों अपने रोज़मर्रा के कामों से अपन आके मेले में बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने का हमें मौका मिलता है, तो हमें बिल्कुल भी टाइम निकालना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। तो बड़ों के साथ यहाँ पर दोस्तों बच्चे भी इंजॉय करते हैं, तो मैं काफ़ी पीछे रहने वाला था तो मैंने कहा चलो मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बलून पर शॉट लगाने के लिए हमने एक बंदूक हायर की है जिसके राउंड भी मैंने आपको बताए थे करीब 50 रुपीज़ के समथिंग राउंड आते हैं। और यहाँ पर इंजॉय करने के बाद फिर हमने काफ़ी जगह मौत के कुएं में हम लोग गए जहाँ पर हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया। देख पा रहे होंगे दोस्तों ये मैं ही हूँ और मैं ही इंजॉय कर रहा हूँ। सो इसके बाद जस्ट हम आते हैं क्या नाम है मौत के कुएं में, सो वहाँ इंजॉय करते हैं, आइए देखते हैं। और इसे मौत का कुआ दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि काफ़ी रिस्की काम है ये, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंजॉय करते हुए कई लोग कितना रिस्की है दोस्तों आप खुद देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इतनी मस्ती करने के बाद उसके बाद हम आए हैं ये हाथरस पापड़ भंडार पर और कुछ खा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप भी मेले में आए और पापड़ नहीं खाए। 20 रुपीज़ पर पापड़ की रेट है, यहाँ पर हमने 3 पापड़ ऑर्डर किए हैं, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो पापड़ का रास्ता करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग मतलब प्रदर्शनी काफ़ी लगती है यहाँ पर, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार अपने द्वारा किए हुए सारे निर्माण की जानकारी आपको देती है। कई प्रदर्शनियों में भी आपको ऐसे आप देख पा रहे होंगे बच्चे बचाओ आंदोलन, ये एक प्रदर्शनी एक संस्था के थ्रू NGO के थ्रू लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश सरकार के प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या मेले में प्रदर्शनी के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ख़त्म होता है हमारा ग्वालियर मेला व्यापार मेले का ब्लॉग वीडियो। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप करीब करीब 10:30 बजे के बाद आपकी कार वगैरह की एंट्री भी हो जाती है, आप कार से भी मेला एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।